गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यवसाय के निम्न व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण ज्ञात करना है। तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। कॉलम सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स में सबसे पहले अपन देख लेते संपत्तियाँ कौन कौन सी है। रोकड़ से व्यापार शुरू किया तो एक संपत्ति कौन सी हो गई, कैश हो गई। उधार माल खरीदा तो एक और संपत्ति हो जाएगी हमारी स्टॉक। मशीन नकद खरीदी, एक और संपत्ति हो गई है मशीनरी। लेनदार को भुगतान किया तो लेनदार तो लाइबिलिटीज है और डेप नहीं आता है, तो लाइबिलिटीज में एक ही आइटम है क्रेडिटर्स और प्लस कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारा है वो है रोकड़ से व्यापार शुरू किया, यानी बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया हमने, 70,000 से। तो 70,000 कैश और उस केस से हमारी कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। जब भी बिजनेस स्टार्ट करें केस से क्या, तो कैश इंक्रीज हुआ और कैपिटल। सेकंड पॉइंट है उधार माल खरीदा, ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने उधार माल खरीदा कितने का, 18,000 रुपये का, कैश में कुछ भी नहीं हुआ। माल खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, और उधार खरीदा तो जिससे हम उधार खरीदते वो कौन होता है, क्रेडिटर। तो उससे क्या इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर बढ़ गए, बाकी कहीं भी कुछ नहीं हुआ। टोटल लगा लेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। कैश हो गया 70,000, स्टॉक 18,000, मशीन जीरो है, क्रेडिटर्स 18,000 के, और कैपिटल हमारा है 70,000। कैपिटल हमारा यहाँ पे 17,000। थर्ड नंबर पॉइंट, मशीन नगद खरीदी, यानी ब्रॉट मशीनरी फॉर कैश, ब्रॉट मशीनरी फॉर कैश। कितने की मशीन में कैश खरीदी, 20,000 की, तो कैश में से 20,000 गया, क्योंकि नकद खरीदेंगे तो कैश जाएगा, और 20,000 रुपये की मशीन आ गई तो मशीन प्लस हो गई 20,000, बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। टोटल लगाएंगे फिर यहाँ पर हो जाएगा न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन क्या हो गया, 70 था कैश, 20,000 की मशीन खरीदे तो कैश कितना बचा, 50,000। स्टॉक हमारा 18,000 का है, मशीन है 20,000 की, क्रेडिटर 18,000 के, और कैपिटल है 70,000। फिर फोर नंबर ट्रांजेक्शन है लेनदारों को पूर्ण भुगतान में चुका है, पेड क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। क्या करा आपने, पेड क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। कितना पेमेंट करा भाई, 17,500 पेड करा हमने, 17,500 रुपये, तो कैश कितना गया, 17,500। स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, मशीन में कुछ नहीं हुआ भाई, हमने फुल सेटलमेंट कर लिया, मतलब क्रेडिटर पूरे 18,000 रुपये के कम हो गए। 18,000 की क्रेडिटर को 17,500 पेमेंट कर दिया, काम खत्म। तो 500 रुपये का हमें क्या, वो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट से क्या बढ़ती है, कैपिटल। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गया, इसका आप टोटल लगाएंगे फिर से, तो आपको यहाँ पर
न्यू इक्वेशन आ जाएगी, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन अब कैश हो गया 32,500, स्टॉक 18,000, मशीन 20,000 की, क्रेडिटर हो गए 0 और कैपिटल हो गए 70,500 रुपये के। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 2,000 रुपये। जब मशीन पर डेप लगाते हैं तो कैश में कुछ नहीं होता, स्टॉक में कुछ। डेप से एक तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर मशीन की वैल्यू कम हो रही है तो उससे कैपिटल भी कम हो जाएगा, उससे कैपिटल भी कम हो गया। जैसे ये काम किया, फिर से आप न्यू ट्रांजेक्शन या न्यू इक्वेशन बना लीजिए। पहले न्यू ट्रांजेक्शन, न्यू इक्वेशन में कैश हो गया 32,500, 18,000 आपका स्टॉक है, मशीन की वैल्यू आपकी बची है 18,000, क्रेडिटर 0 प्लस 68,500 आपका यहाँ पर। ये सारे ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन हमने सही किया गलत, तो दोनों साइड का टोटल इक्वल के दोनों साइड का टोटल अलग अलग लगा के चेक कर लेना चाहिए। इधर का टोटल हो रहा है 36,30,66,268,500 इधर का टोटल, इधर का टोटल भी 68,500 रुपये। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, हमें जो क्वेश्चन करना था अकाउंटिंग इक्वेशन का वो ये कंप्लीट है। ठीक।